हम बात करेंगे यहाँ पर कुवैत T20 चैलेंजर कप का आज का दिन का सेकंड T20 मैच के बारे में जो खेला जाएगा एनसीएम इन्वेस्टमेंट बी वर्सेस पोनी के स्ट्राइकर्स के बीच में, पीएसटी वर्सेस एनसीएम बी के बीच में मुकाबले खेले जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन आपको मुकाबले देखने को मिलेगा। हमने काफ़ी मैचेज में विनिंग करी है जो कि कुवैत T20 चैलेंजर कप के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पीएसटी टीम का आप देखोगे ऑलरेडी इनकी टीम ने 5 मुकाबले खेले जहाँ पे केवल एक मुकाबले विन करी थी, उनके अलावा मुकाबले इनकी टीम से ने हारे हैं। स्कोरिंग बढ़िया बढ़िया करी है। सामने वाला जो टीम्स है वो यहाँ पे है दोस्तों एनसीएमबी की टीम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स है, 5 के 5 मुकाबले वन साइडेड जीती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक टीम के बीच में मैचेज होते हैं ना वहाँ पर हम काफ़ी विनिंग करते हैं। तो वही चीज़ है, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि भैया किनको स्मॉली की टीम है, किनको हेडवेट की टीम है, किनको जीएल की टीम है लेनी। बस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस जो भी होगा जिस टीम से खेलेंगे सेम टीम टेलीग्राम आपको चैनल पे दे देंगे, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जुड़ो या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो @FXpart हमने जैसा लिखा सेम टू सेम लिख लो, 15,100, 15,200, 300 भी हो सकता है, तो इसी के आसपास आपको सब्सक्राइबर दिखने वाले हैं। और कृपा करके आपने यहीं पर क्लिक करके जुड़ना, लास्ट टाइम में फर्दर अपडेट आएगी तो मैं हूँ। और काफ़ी विनिंग हो रहा है क्योंकि हमने KCC वाला टोटल सीरीज कवर किया है और वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से। मैसेज रहेगा 1:15 में नाइट को, वेन्यू सेम रहेगा, विकेट ओवरऑल हम बैलेंस करेंगे, ज़्यादा मदद नहीं है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में। यहाँ पे एनसीएमबी की टीम सामने वाली टीम बेहतर टीम है तो कहीं ना कहीं उसी टीम को आपको फेवर करके टीम को क्रिएट करनी चाहिए। बट पहले बात करेंगे पीएसटी टीम की। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 5 मुकाबले में केवल इनकी टीम ने एक ही मुकाबले विन करी थी, उनके अलावा इनकी टीम ने मुकाबले सबके सब हारे भी हैं। ओपनिंग कराते नजर आएंगे सैनुद्दीन, इनके साथ आएंगे सुजीत सुभाष। अब लास्ट वाला गेम में ओपनर चेंजेस हुआ था, सैनुद्दीन ने ओपनिंग करी थी दोस्तों सुजीत सुभाष के साथ। सैनुद्दीन तो भाई ओपनिंग करा रहा था, मतलब लास्ट वाला गेम में 24 करा था ना, उसके पहले वाला गेम में भी ओपनिंग करा था, तो चलो इनका तो मान लिए भाई ओपनिंग करा था, लेकिन सुजीत सुभाष ओपनिंग नहीं करा था। लास्ट वाला गेम में टीम ने इनको ओपनिंग में मेंशन करा था लेकिन ओपनर बल्लेबाज नहीं है, मेरे हिसाब से सुजीत सुभाष ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। सैनुद्दीन का बल्लेबाजी क्रम से चाहो तो ले सकते हो, सेफ रहेगा क्योंकि बढ़िया स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है तो ले सकते हो। सुजीत सुभाष ने 4 विकेट निकाला था, मैंने लास्ट वाला गेम में सुजीत सुभाष को रखा था और भाई ओपनिंग करा था, 0 पे आउट हुआ था लेकिन 4 ओवर डाल के 4 विकेट भी था, तो हल्के मत लेना आपको स्मॉली की टीम में, मतलब इनको लेने हैं। रेनिल राज काफ़ी तगड़ा ऑलराउंडर है, 4 रन कर रहे थे लेकिन लास्ट लगे में ओवर डाला नहीं था। भाई रेनिल राज को कैप्टनसी करना रिस्क रहेगा। पल्लर आप ले सकते हो क्योंकि क्या है ना कि भाई बॉलिंग इनको मिल नहीं रहा। सागर संजीव ने केवल 0 पे आउट हुआ था, जीएल का पिक रहेगा। अभिषेक मनीष सखरन 20 रन 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट, यहाँ पे देखोगे विकेट निकाल लेते तो इससे फिर भी रहेंगे। एमिल सुधाकर ने भाई 3 ओवर डाल के विकेट लेस गए थे, छोड़िएगा। सदीक कासिम टीम के बढ़िया ऑलराउंडर है बट विकेट लेस गए, तो सुधाकर को आप चाहो तो रिस्की वगैरह की टीम रखिएगा। सदीक कासिम ने ओवर डाला नहीं था लेकिन ओवर डालते हैं और काफ़ी तगड़ा ऑलराउंडर है। जिसुदास चौलाइल विकेट कीपर बल्लेबाजी छोड़ेंगे। अजीत बाबू 3 ओवर 3 ओवर 2 ओवर, पल्लर ये भी बढ़िया है। नीचे आपको अहतश्याम मोहम्मद देखने को मिलेगा जो कि 3 ओवर डाल के 1 विकेट था। नीचे सिमहालाचन नायडू, दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इनकी टीम के जो बढ़िया बढ़िया ऑलराउंडर थे जीतू रंजीत मोहन और यहाँ पे रोशन कुमार, वो लोग नहीं खेल रहे थे तो उसी की जगह पे जो इनके बैकअप वाले पलर थे ना वैसे भी इनकी टीम बाहर है तो इसीलिए इनको मिला था। देखो मैंने जब सब सैनुद्दीन ले लो पहला, सुजीत सुभाष दूसरा, रेनिल राज तीसरा, अभिषेक चौथा, पांचवा रखना है तो कासिम को रखो, उनके अलावा आपको अजीत बाबू को लेने तो ले सकते हो लेकिन रिस्की रहेगा क्योंकि एनसीएमबी की टीम भैया बढ़िया टीम है, मतलब सामने लो जो टीम है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम से। एनसीएमबी की टीम ने 5 में से 5 जीती है, बढ़िया टीम है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी के फेवर में टीम को भी क्रिएट करनी है। ओपनर आएंगे नालिन, इनके साथ आएंगे महेंद्र भोतेजू। भाई नालिन आपको विकेट कीपर में, महेंद्र भोतेजू भी विकेट कीपर में, नालिन आपको विकेट कीपर टीम भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे 42, 61, 50, काफ़ी तगड़ा विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनकी टीम पहले बैटिंग करी तो जीएल की टीम में कैप्टन ठोक देना, बट स्मॉली की टीम में आपको पलर ही लेने हैं। महेंद्र भोतेजू मेरा स्मॉली को रेड विकेट के लिए कैप्टन वाइज कैप्टनसी रहेगा। 13 रन 3 विकेट 39 रन 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 72 रन 1 विकेट, 18 रन 3 विकेट, हर गेम में बॉलिंग, हर गेम में बैटिंग, मेरा जो कैप्टन रहेगा हेड टू हेड स्मॉल लीग में वो रहेगा भोतेजू। वन डाउन खेलेंगे नदीम जाहिद से, के भी पलर बहुत दमखम वाला है दोस्तों, ठीक है रिस्की लेना है तो आप इस पे लो। इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो मेरा रहेगा बट पहले बल्लेबाजी नहीं करेगी तो छोड़ भी सकते हैं। डॉन मंजूला नदीम जाहिद शेख में से अगर एक बल्लेबाज को लेने हैं तो नदीम जाहिद शेख को पिक करो भैया, रिस्क लेना मेरे को पसंद है और काफ़ी विनिंग भी करते हैं। मिजान अली लास्ट के 2 गेम से बॉलिंग डाल ले रहा, सामने वाली टीम से रन बनेगा नहीं तो फिर आप छोड़ो। शफी शेख 19, 16, 21, 7 करे छोड़ेंगे।
नीचे मोहम्मद टीएम सदीक बासा ने केवल एक ओवर डाल के एक विकेट निकाला था, छोड़ेंगे। टीम के बढ़िया बॉलर रहेंगे मोहम्मद आसिक बासा, जो कि ओवर डाल रहे तो ले लो, एक विकेट निकालते चार ओवर डाल के। महमूद आलम खान एक ओवर डाल के दो विकेट था। अगेन पिक करो आप इनको, जफीर अंसारी अनवर बढ़िया ऑलराउंडर है, आप इनको भी रखिएगा। विजय वर्धना को भी आपको रखने हैं, लास्ट लगे में दो विकेट निकाला था। मैच टीम से नालिन पहला, वेंदर बोदेजू दूसरा, नदीम जाहिद इसक तीसरा, चौथा हम पिक करेंगे। वो पिक करेंगे यहाँ पर आसिक बासा को, पाँचों महमूद अली खान आलम खान, छठा जफीर अंसारी अनवर, सातवां हम रखेंगे विजय वर्धना। तो इस टीम से सात, सामने वाली टीम से चार प्लेयर्स को पिक करेंगे, क्योंकि इनकी टीम बढ़िया टीम है, तो इसी टीम के फेवर में टीम को क्रिएट करनी है बस। विकेट कीपर में हम वनतेजू को पिक करेंगे, नालिन को पिक करेंगे। फिर आएंगे बल्लेबाजी क्रम में, सादिक कासिम को रखो, इस मोहाली की टीम में नदीम जाहिद इसक रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में रेनिल राज, उनके अलावा महमूद आलम खान को हम पिक करेंगे, सुजीत सुभाष रहेगा, अभिषेक रहेगा। फिर बॉलिंग सेक्शन में जफीर अंसारी अनवर, विजय वर्धना और सैनुद्दीन भाई बॉलिंग मतलब ओपनिंग करा के स्कोरिंग कर रहा है। आप इनके जगह पे जाओ तो किसी एक बॉलर को पकड़ सकते हो। मैंने वेंदर बोदेजू को कैप्टन कर लिया, वाइस कैप्टन से मोहाली की टीम इसमें रहेगा, और रहेगा यहाँ पे सादिक कासिम, लेकिन बॉलिंग नहीं डाल रहा है लास्ट के दो तीन गेम से, ठीक है। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप विजय वर्धना को वीसी कर लो। अब अपने हिसाब से कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी करिएगा, मेरा डेमो टीम में फाइनल टीम लास्ट टाइम में दूंगा जब आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।